अरे काका, हो गया क्या काम? हाँ मालिक, बस थोड़ी सी पेड़ों में पानी और देना है। ठीक है, ये काम खत्म करके मेरे पास आना। जी मालिक। हाँ मालिक। ये लो तुम्हारे इस महीने के पैसे। धन्यवाद मालिक। पापा ये लो आपका खाना। ठीक है बेटा। पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए, मम्मी ने घर के लिए कुछ सामान मंगवाया है। ये लो बेटा। काका, मुझे आपके बेटे का नेत्र सही नहीं लगा। क्यों, क्या हुआ मालिक, क्या गलती कर दी मेरे बेटे ने? अरे काका, आप इसको बिना कुछ पूछे ही इतने पैसे दे देते हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो इन पैसों का जरूर गलत इस्तेमाल करता है। नहीं मालिक, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। चलो तो फिर आज आजमा ही लेते हैं। मालिक मैं कुछ समझा नहीं। आप मेरे साथ आओ, मैं आपको सब समझा दूंगा। देखो काका, मेरे पास ये कुछ पैसे हैं, मैं इनको इस रोड पर गिरा देता हूँ, मुझे देखना है कि वो इन्हें उठाएगा या नहीं। मालिक वो इन पैसों के हाथ भी नहीं लगाएगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अरे वो आ गया, तुम आ जाओ मेरे साथ, अभी सब पता चल जाएगा। देख लिया ना काका, मैंने सही कहा था। नहीं मालिक, मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा कि वो उन पैसों का गलत इस्तेमाल करेगा। चलो तो फिर ये भी देख लेते हैं, आओ उसके पीछे। देख लिया ना मालिक, ये गरीब के संस्कार है जो कभी नहीं बदलते। अरे पापा आप यहाँ? अरे बेटा, वो मालिक को यहाँ कुछ काम था, इसलिए मैं मालिक के साथ आ गया था। मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना। हाकिम बहुत है बाजारों में, अमीरों के इलाज खाते। जब भी देखता हूँ किसी गरीब को हंसते हुए, यकीनन खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं होता। ये गंदगी तो महल वालों ने फैलाई है साहब, वरना गरीब तो सड़कों से